अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। और आज की वीडियो आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, स्टोरी टाइम। और ये भी मैंने आगाज़ किया है कुछ ही दिनों से, कि मैंने सोचा कि मैं स्टोरी टाइम भी बनाऊं। फ्राइडे या थर्सडे को मेरी एक वीडियो आएगी, वो होगी स्टोरी टाइम। और पता नहीं वो स्टोरी कौन सी होगी। तो मैं वो नहीं कर रहा कि आप लोग ABC मतलब कि टीचर हूँ, मैं वो वाली स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं लाइफ की सुना रहा हूँ। तो नाइट स्टोरी है। और हुआ क्या था, हम मस्त में सो रहे थे सारे, और पापा जो थे ना वो आउट ऑफ सिटी थे, तो वो यहाँ पे नहीं थे, तो वो बाहर गए हुए थे। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो हमें ना बाहर से आवाज़ आई कि ना किचन के अंदर से ना वाटर से नीचे गिरे हैं बहुत सारे। तो फिर हमने इग्नोर कर दिया, हमने कहा वैसे ही हवा से गिरे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद ना जो सारी चीज़ें पड़ी होती है, जैसे कप और जो डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, वो एकदम से सारी पता नहीं गिर गई। तो हम बहुत डर गए, फिर हमने बहन ने तो चीखें भी लगानी शुरू कर दी। फिर बहुत डर गए, और सारी फिर बाहर से इतनी आवाज़ आ रही कि मामा ने कहा कि ना बाहर, हाँ ये चीज़ पड़ी थी, ये रिकॉर्ड की, ये मतलब कि जो सारी चीज़ें पड़ी थी वो सारी की सारी गिर गई। और किचन में भी आई थिंक सारा कुछ गिर गया था, और बहुत तबाही मचाई। हमने सोचा कि मतलब कि चोर आ गया घर में, कि वो ही ऐसा कर सकता है और हमें क्या हो सकता है। तो हम बहुत डर गए, और मामा तो सुपर हीरो बन रही थी, कह रही थी मैं दोबारा बोलती हूँ जाके देखते हैं। हमने मना किया, फिर हमने पापा को फ़ोन किया, पापा कहते ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं आ सकता। और वहाँ पर 5 बजे थे, तो 5 बजे कौन सा चोर होता है, मैं भी नाम था। तो ना मैं बहुत डरा, तो मैंने मुंह दे दिया था खेत के अंदर, मैं बहुत डरा हुआ था। फिर ना पता नहीं पापा ने ना कांटेक्ट किया, सासुर घर वाला नहीं है, वहाँ से कांटेक्ट किया, वो सीढ़ी लेके चढ़ गए। वो अब हमारी द्वार, उनकी द्वार से मैंने अब तो सीढ़ी लेके चढ़ गए, यहाँ भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि ना हम देखते हैं बाहर से, हमारा गार्ड खड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता आप लोगों को, अगर कोई होगा अंदर हम उसको पकड़ लेंगे। तो हम बहुत डरी है। तो फिर मामा ने सुपर हीरो बन के दरवाज़ा खोल ही दिया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए, हमने सारी चीज़ें चेक की, सारा कुछ गिरा हुआ था, एक भी चीज़ नहीं थी जो नहीं गिरी हुई थी। इतना घर सारा खराब हो गया, सारा का सारा। तो अभी नाइट मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सुना तो सही था, आखिर में क्या हुआ, कोई चोर नहीं था। तो जो चीज़ें गिरा रहा था वो कौन थे, पता नहीं 5, 6, 7, 8, 10 मोटे मोटे चूहे। 10 मोटे मोटे चूहे। चूहे चूहे, अब यकीन करेंगे चूहे। हमारी पूरी रात खराब कर दी चूहा ने। तो फिर जब हम बाहर गए ना, तो जब मैंने सोफे को मतलब के मैं डरा हुआ था ना, सोफे के ऊपर हाथ रखा, सोफे के नीचे से 5-6 चूहे भाग के निकले, तभी मुझे पता लग गया कि ये क्या माजरा है, कोई चोर नहीं है ना, कोई चोर है, ये चूहा ने सारा कुछ किया। और तब तो चूहे घर में थे नहीं, पता नहीं कहाँ से आए। मैं सोच नहीं सकता कि चूहे कहाँ से आए, कभी नहीं हमने घर में देखा। और उस रात को पता नहीं कहाँ से आए वो, या कोई बाहर से आए या कहाँ से आए हैं, कोई भी हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर में नहीं था कि चूहे होने हैं, क्योंकि चूहे कभी भी नहीं हमने घर में देखा, जहाँ हमने कभी भी हमारे घर में होते ही नहीं थे। और हमारे घर में होते ही नहीं थे, तो हमने हमें सोचा ही नहीं कि चूहे हो सकते हैं, हमने चोर समझा। तो फिर जब बाहर गया आहिस्ता आहिस्ता, सारे चूहे इधर उधर इधर उधर हो जा रहे। फिर हम बाहर गए, हमने गेट खोला, आगे गार्ड खड़ा, आए अंदर हो जाए अंदर हो जाए, मैं जाके देखता हूँ अंदर। तो मम्मा ने बताया कि नहीं नहीं रुकते हैं, कोई चोर नहीं चूहे। तो उसके बाद से ना बहुत डर लगा था, तो सीरियसली मैंने
बहुत डर लग रहा है। मम्मा ने जब दरवाज़ा खोला ना, हम बहुत चीखे मार रहे थे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर पापा आए, और मतलब कि पापा को आने के बहुत देर लगी, 2 दिन लग गए थे। उसमें हमने ना बहुत गर ना ऐसा हो गया सत्यानाश, ऐसा कभी नहीं हुआ, सत्यानाश हो गया पूरे घर का, और सारी चीज़ें गिर गई, और कप भी गिर गए, जो दूसरी चीज़ें थी ना वो भी गिर गई, वो जो ग्लास थे वो भी गिर गए, और बहुत सारी तबाही हुई। और अगर पता होता ना चूहें, दरवाज़ा खोल के सबसे पहले मैंने जाना, मुझे पता नहीं था ना, इतने हम लोग डर गए कि इतनी चीज़ें। तो हमने पता क्या सोचा, हमने कहा ये जो चूहे हैं ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि चूहे कप शप कैसे नीचे गिरा सकते हैं। पर उन लोगों ने पता नहीं कैसे गिराया, और कोई था भी नहीं घर के अंदर, और थे सिर्फ चूहे इतने मोटे मोटे, आए किधर से ये समझ नहीं आ रही, और ना हमें कहीं से कुछ मिला कि अंदर कैसे आए हैं। अगर घर में होते तो पहले से दवाई ना मिला देते, तब हम उठे होते। तो बहुत रात हुई हमारे साथ, और फिर हमने सारा घर समेटा, और बहुत टाइम लगा, तो चूहों ने सारी बर्बादी कर दी। फिर जो पापा है तो चूहों की ऐसी तैसी हमने कर दी। तो फिर जब पापा आया, हमने चूहे की बर्बादी कर दी, हमने बुलाया भाई से किसी को, तो फिर उसने ना स्प्रे मार दी स्प्रे नहीं मारी, स्प्रे मारते हैं ना वो उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि चूहे कई लोगों के छुपड़े होते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। उन लोगों ने 1 दिन का टाइम दिया, घर हमें घर ले लिया, और हम कहीं और चले गए थे, मतलब के हम पता नहीं, तो हम कहीं और चले गए थे, और 1 दिन में चूहे का सफाया हो गया था, और पूरा घर भी अच्छा हो गया था, क्लीन हो गया था, सफाई करा ली थी, बड़ा मज़ा आ गया था, और बेइज्जती हो गई थी। और बिलीव नहीं कर सकता कि मैं इतना कुछ हो गया चूहों की वजह से। चलो कुछ छोटे मोटे चूहे होते हैं, वो कप शप तो नहीं करा सकते, कप देखा ना कितना भारी होता है। उस रात को जो हुआ था ना, वो पहली दफ़ा हुआ था, और बहुत डर आया था, और थी भी रात, तब बज रहे थे, तो बड़ा ही बहुत हँसी यार की बहुत। तो ये थी मेरी नाइट टाइम स्टोरी, और चूहे ने बहुत बुरा सलूक किया हमारे साथ। मेरे पास बहुत सारी मेरी स्टोरी पड़ी है, और मतलब कि मैं, अगर आप लोग ने इस वीडियो पर कमेंट करना है कि आप लोगों को नाइट टाइम स्टोरी चाहिए, कि जो दूसरी स्टोरीज होती हैं, जो वाक्यात होते हैं, मतलब कि वो चाहिए, कि नाइट टाइम स्टोरी चाहिए, जैसे कि हम डर गए, तो कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को नाइट टाइम चाहिए कि नहीं। यार क्या मसला है इसको, यार ये बहुत स्लो हो जाती है, देखो क्या हाल हो गया मेरा। हेलो, ये क्या खिला दिया है, कौन की मार है, बड़ी गंदी हेडलाइट है, कर चपेड़े मारूं। तो गाइस इसकी बैटरी हो गई है फुस, और इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, और वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं, और अगली वीडियो मिलेंगे। और आप लोगों ने कमेंट करना का नाइट टाइम स्टोरी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं नाइट टाइम स्टोरी, तो वो बहुत मज़ा आने लगा है और स्टोरियों में, क्योंकि मेरा बहुत मज़ेदार स्टोरियाँ हैं। और अंदा से आप लोगों ने अगर स्टोरी सुननी है तो कमेंट कर देना, वरना तो फ्राइडे थर्सडे को आ जाएगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और लाइक किया तो लाइक कर दो, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाऊं, पर मुझे आजकल टॉपिक नहीं मिल रहे, तो आप टॉपिक भी देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो
टॉपिक दे दिया करें, ओके, जो आप लोगों को पसंद होता है ना वो लिख दिया करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।